गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऐसे क्लास थर्ड का चैप्टर नाइन, चैप्टर नाइन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे चांद का कुर्ता। एक बार चांद जो है अपने माँ से कुर्ता बनवाने के लिए कह रहा है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। एक दिन चांद ने हट कर लिया, जिदी कर लिया कि ये माँ हमें एक ऊन का मोटा झिंगोरा सिलवा दो। झिंगोरा का मतलब होता है ढीला ढाला कुर्ता। क्यों? सन सन चलती हवा रात भर जारे से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। इसलिए ऊन का ढीला ढाला कुर्ता बनवा दो ताकि रात में हवा सनसन चलती है, रात भर ठंड से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से मैं यात्रा अपना पूरा करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जारे का, न हो अगर तो लादो कुर्ता ही कोई भारे का। ए माँ, आसमान का यात्रा करते करते ठंड के मौसम में मैं परेशान हो जाता हूँ, अगर तुम नहीं बनवाना चाहते हो तो किसी से भारे पर मेरे लिए कुर्ता ला दो। अब बच्चे की बात को सुनकर माँ ने जवाब देती है, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू ढूने। अतः मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, भगवान तुम्हें अच्छा रखे और जादू टोनों से तुम्हें बचाए। जारे की तो बात ठीक है पर मैं भी तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ ने कहती है कि बेटा, जारे की बात तो ठीक है परंतु मैं भी तुमसे डरती हूँ। क्यों डरती हूँ? क्योंकि तुम एक नाप में कभी नहीं रहते हो और ना आज तक मैं कभी तुम्हें एक नाप में देखा ही हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कहता है, ए चांद, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम कभी चौड़ा हो जाते हो तो कभी एक फुट मोटा हो जाते हो, कभी किसी दिन बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाते हो और किसी दिन छोटा हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। कहता है, बेटा, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम रोज घटता बढ़ता है और कभी ऐसा भी होता है कि तू हमें दिखाई भी नहीं देता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किसी रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोरा जो हर रोज बदन में आए। माँ कहती है कि ए बेटा, अब तू ही बताओ तुम्हारा हम कैसे नाप लिवाए, क्योंकि तुम एक नाप में नहीं रहते हो। तो वही बेटा भी जवाब दे रहा है कि ए माँ, तुम मुझे ढीला ढाला कुर्ता ऐसा सिलवा दो जो हर रोज वह बदन में आ जाए। दूसरे दिन इसका शब्दार्थ आप लोग लिख कर के लाएंगे, ये शब्दार्थ, और कल
इसका फिर मैं प्रश्न उत्तर लिखा देंगे। धन्यवाद।